क्या सच में चीन की विशाल दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी है आइए जानते हैं इसके कुछ रोचक तथ्य नंबर एक चीन की विशाल दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है जिसे चीन के विभिन्न शासकों द्वारा उत्तरी हमलावरों से सुरक्षा के लिए पांचवीं सदी ईसा पूर्व से लेकर सोलहवीं सदी तक बनवाया गया नंबर दो इस दीवार के कुछ हिस्से आपस में जुड़े हुए नहीं हैं यदि इसके सभी हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इस दीवार की लंबाई आठ किलोमीटर तक पहुंच जाएगी नंबर तीन एक अनुमान के अनुसार इस दीवार को बनाने के लिए 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया नंबर चार चीन की विशाल दीवार की ऊंचाई हर जगह एक जैसी नहीं है इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई पैंतीस फुट है जबकि कुछ जगह से तो ये दीवार आठ और नौ फुट ही ऊंची है नंबर पांच इसमें दूर से आते शत्रुओं पर निगाह रखने के लिए निरीक्षण मीनारें भी बनाई गई नंबर छह दीवार की चौड़ाई इतनी रखी गई कि पांच घुड़सवार या दस पैदल सैनिक बगल बगल में गश्त लगा सकें नंबर सात इस दीवार को चीन के लोग वानलीछांग छंग कहते हैं जिसका अर्थ है चीन की विशाल दीवार नंबर आठ भले ही इस विशाल दीवार का निर्माण विदेशी हमलावरों को रोकने के लिए हुआ था परंतु सदियों तक इसका उपयोग परिवहन माल तथा लंबी यात्रा के लिए भी होता रहा नंबर नौ यह दीवार हमेशा सुरक्षित और अजेय नहीं रह सकी कई बार हमलावों ने इस पर विजय प्राप्त की और इस दीवार को तोड़ा था और सन 1211 में चगेज खां इस दीवार को तोड़कर चीन आया था नंबर दस यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है यह दीवार इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ऊपर दिया चित्र नासा की वेबसाइट से लिया गया है ध्यान से देखने पर दीवार के कुछ हिस्से दिखाई देते हैं नंबर ग्यारह इस दीवार को बनाने में जो मजदूर लगे थे उनमें से जो कठोर श्रम नहीं कर रहे थे उन्हें इस दीवार में ही दफना दिया जाता था इसलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहते हैं नंबर बारह आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में भी एक ऐसी दीवार है जो सीधे तौर पर चीन की दीवार को टक्कर देती है इसे भेदने का प्रयास अकबर ने भी किया था पर सफल ना हो सका इस दीवार को राजस्थान के कुंभलगढ़ किलों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था इसका निर्माण चवदा सौ में शुरू होकर चौदह सौ अट्ठावन में खत्म हुआ नंबर तेरह कुंभलगढ़ किले की सुरक्षा दीवार की लंबाई छत्तीस किलोमीटर है चीन की दीवार से पाँच सौ गुना छोटी होने के बावजूद भी यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है नंबर चौदह चीन की विशाल दीवार पर सिर्फ पांच घोड़सवार ही बगल बगल में चल सकते हैं पर कुंभलगढ़ की दीवार पर दस घोड़े बगल बगल में चल सकते हैं नंबर पंद्रह कहते हैं कुंभलगढ़ की दीवार के निर्माण का काम बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था अंततः वहां देवी को प्रसन्न करने के लिए संत की बलि दी गई तब जाकर इस दीवार का निर्माण पूरा हुआ नंबर सोलह जिस संत की बलि दी गई थी उसने राजा से कहा था कि उसे चलने दिया जाए और जहां वह रुके वहीं उनकी बलि चढ़ा दी जाए और वहां एक देवी का मंदिर बनाया जाए कुछ किलोमीटर तक चलने के बाद वह रुक गए और उनकी बल दी गई जहां पर उनका सिर गिरा वहां मुख्य द्वार है और जहां पर उनका घड़ गिरा वहां दूसरा मुख्य द्वार है ऐसी ही और रहस्यमयी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें